हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आने वाली एपिसोड कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में होगा कुछ यूं कि ईश्वरी पर फूटेगा एक बहुत बड़ा बॉम्ब कि उसका बेटा बनने जा रहा है घर जमाई। जी हाँ, ये सब सुनने के बाद ईश्वरी की क्या हालत होगी, आइए जानते हैं। होगा यूं कि सुहाना ने अपने मम्मा पापा से कह दिया है कि वो दोनों के साथ रहना चाहती है, इसलिए आप दोनों को एक साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद देव और सोनाक्षी चौंक जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन सुहाना ने भी जिद पकड़ ली है तो वो उन दोनों की बेटी ना, तो उसने तो जिद पकड़ ही लेनी थी। तो उसने कहा कि रहूंगी तो आप दोनों के साथ एक साथ रहूंगी, पर ना नहीं रहूंगी क्योंकि वो दोनों से ही बहुत प्यार करती है और दोनों ही बहुत अच्छे हैं और वो दोनों के बिना नहीं रहना चाहती। तो इन सब का कंक्लूजन आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे कि देव और सोनाक्षी ये फैसला लेंगे कि देव रहेगा बोस हाउस में तो देव बनेगा घर जमाई, और सुहाना इस बात से बहुत खुश हो जाएगी। और वैसे भी तो सुहाना के मामू की शादी आने वाली है, ये खुशी सुहाना की दुगनी हो जाएगी। एक साइड घर पे मामी आएगी और एक साइड आएगा देव उसके पापा। तो ये सब सुनने के बाद ईश्वरी तो चौंक जाती है और वो समझ और राधा उसके और भी कान भर देती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि वो आपसे आपका बेटा दूर ले जाएगी। जब वो उसके साथ नहीं थी तब भी उसने आपको अपने बेटे से दूर किया हुआ था, और आज जब वो साथ है तो वो आपको दूर करेगी। तो ये था इस सोनाक्षी का प्लान। ऐसा राधा ईश्वरी के कान भरती है और उसे और भड़काती है। ये सब सुनने के बाद ईश्वरी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब देखिए आगे क्या होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आने वाली एपिसोड कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में होगा कुछ यूं कि